किसी मंचले का जो आ गया जो दिल तो होगी मुश्किल। मैंने इन्हें नहीं कहा था उदास होने के लिए, ये सब वाकई अपनी माँ को मिस कर रहे हैं इसीलिए उदास हो गए थे। वाह पुरु भैया, क्या कमाल की चाल चली है आपने। अब देखते हैं कि विरोधी पक्ष क्या करता है। लेकिन सामने वाली पार्टी को कमजोर मत समझो, हमें अगर उनको चारों खाने चित करना है तो हर चाल संभल के चलनी होगी। लगता है अपूर्व ने अपना वादा तोड़कर इस नकली फैमिली को बता दिया है कि मैं उनके बारे में सब कुछ जान गई हूँ और वो लोग कुछ बड़ा प्लान बना रहे हैं। अंकल आपकी चाल। ओ, धीरू भी यहाँ है, इसका मतलब अपूर्व ने अपनी फैमिली से कुछ नहीं बताया। ये गया तुम्हारा हाथी। अरे उषा, तुम कब आई? तुम किसकी साइड में हो, हमारी है इनकी? मैं तो हमेशा से ही आपके साइड से हूँ धीरू। आंटी, आपकी जरूरत उस साइड को ज्यादा है, बेचारे हार रहे ना। अरे हम हारने वालों में से नहीं है प्रीति भाभी, ये चेक। चल चलिए अंकल, इतना मत सोचिए अंकल, अभी एक ही चाल आप चल सकते हैं, उसके बाद गेम ओवर। गेम हमारी नहीं तुम्हारी ओवर हो चुकी है अपूर्व। चेक मेट। क्या बात है उषा, क्या चाल चली है तुमने। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं अपूर्व, क्योंकि कौन सी चाल कब उल्टी पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। इस वस्त्र को जोड़ने वाली है चार छिद्र गोलाकार मुद्रा टूट गई है। मतलब बटन। क्या पंकज जी, आप भी, आपने मुझे डरा ही दिया था, लाइए दीजिए। आप बटन लगाएंगी? अरे नहीं नहीं, मैं तो दूसरी शर्ट लाने जा रही थी। हाँ, माँ होती तो ये कार्य तत्काल संपन्न कर देती। प्रीति जी आप प्रयत्न तो कीजिए, प्रयत्न करने से व्यक्ति हिमालय की ऊंची चोटी तक पहुँच जाता है, ये तो तुच्छ मुद्रा अर्थात बटन ही तो है। प्रीति भाभी, प्रीति जी के हाथ में पंकज जी की शर्ट सा। प्रीति जी से पूछिए, कल जब हम माँ के लिए गिफ्ट लेने गए थे तो क्या ये गुड़िया उन्होंने वहाँ से खरीदी थी? नहीं तो हमारे हाथ में रखी गुड़िया सा, ये गुड़िया हमें हमारे गिफ्ट के पैकेट में मिली, हमने तो नहीं खरीदी इसीलिए बस आपसे पूछा। अच्छा, अब उस दुकानदार ने गलती से डाल दी होगी। हमारे गिफ्ट के थैले सा, ऐसी गुड़िया तो राजस्थान के मेले में ही मिलती है, देखिए हमें भी ऐसा गुड्डा किसी ने तोहफे में दिया था। देखिए पंकज जी, क्या पल्लू, उस मोहित सारे तुझे धोखा दिया, फरेब किया उसे तेरे साथ। अरे वो 420 है, उसे भूल जा। हमारे हाथ में रखी गुड्डे गुड़िया की जोड़ी सा, प्रीति जी से कहिए, ये सच है कि मोहित जी ने जो किया वो बहुत गलत किया हमारे साथ, लेकिन हमने तो सिर्फ उन्हीं से प्यार किया था ना। और अपने प्यार को भूलना
इतना आसान नहीं होता। पूरी बाबा क्या किस्मत है हमारा भी, हमारा प्यार का गाड़ी पटरी पर चढ़ता ही नहीं है, बात दोस्ती के स्टेशन पर ही रुक गया है। हमको कुछ करना ही पड़ेगा, ये पल्लवी शाह के दिल से वो मोहित शाह का नामो निशान मिटाना पड़ेगा। पल्लवी शाह तुमने दोस्ती किया हमसे, किंतु हमने तो तुमसे प्यार किया है, मतलब हमने प्यार किया, मतलब मैंने प्यार किया। ओ रंगीला नैया जा, अभी हम मैंने प्यार किया का स्टाइल में पल्लवी शाह को इम्प्रेस करेगा। यस हो, मैं लड़का हूँ, तुम आई तो सच कहता हूँ। आया मौसम दोस्ती का, उड़ी बाबा पल्लवी शाह साइकिल उठाओ, हम दाब के मार जाएगा। पल्लवी शाह पल्लवी शाह आके साइकिल हटाओ, नहीं तो हम दाब के मार जाएगा। हटाओ इसको, हटाओ। तू यहाँ क्या कर रहा है? ओए तू अपुरु, हम इधर में कैसे आ गया? आए इधर में कैसे आ गया, मेरे को क्या मालूम। हाँ क्या कर रहा है तू इधर, साइकिल साइकिल क्या चिल्ला रहा है, कहाँ साइकिल? अपुरु हम सपना देखता था, सपने में इधर साइकिल चलाता था, उधर ही गिर गया। किंतु चोट बहुत लगा है सपने में। मेरे भाई अंकल घर पे, तू क्यों चिल्ला रहा है यहाँ पर? वो आकर तुझे 50-60 सवाल पूछेंगे यार, चुप बैठना। ठीक है ना, ना प्यार में साइकिल चलाने का रिस्क हम नहीं ले सकता। क्या बोला? हम किधर कुछ बोला अपुरु, वो तो एक्चुअली हमको चोट बहुत लगा ना, तो रोने का आवाज था, इसलिए रोता था। क्या लड़कियों की तरह रोता है, मर्द है ना, मर्द कभी रोते हैं? वाह अपूर्व, क्या लाख टका का आइडिया दिया है हमको। अब हम जाके पल्लवी शाह को इतना हंसाएगा, इतना हंसाएगा कि वो मोहित शाह की याद में रोना भूल जाएगा। हाँ। देख अगर मोहित गया ना तो जाने दे उसे, और वैसे भी अगर तुझे उसकी याद आए ना तो एक काम कर, उसके सारे फोटोज जो है ना चला डाल, और उसने अगर देखो कुछ चीजें दी है ना वो सब फेंक दे, ठीक है? अब फिर से खेलेंगे, ओके? और अगर अब की बार जोकर आए तो बाजी फेंक मत देना, ओके? जोकर आया, जोकर आया, जोकर आया। आ मुलाहिजा, होशियार, आज है गुरुवार और हो जाओ हंसने के लिए तैयार। अरे गोंडगोल, ये क्या होली है मनाया तूने? ए पीती भाभी, हम गोंडगोल नहीं है, कहता है हम कौन है? मारो नाम तो मोहित शाह है, और मैं या पल्लवी सारो प्रेमी हूँ। अब मैं तने मारी और पल्लवी सारी प्रेम कहानी सुनाऊंगो। कैसा? इनसे कहिए हमें शर्म आती है। पल्लवी साहब, मैं थारे लिए पंख बनाऊंगो, थाने आसमान री सैर कराऊंगो, थाने आइसक्रीम खिलाऊंगो, भेलपूरी खिलाऊंगो, थाने 5-स्टार होटल में लंच डिनर करवाऊंगो, और थाने सारी दुनिया री सैर करवाऊंगो, पर प्यारे बदले में। प्यारे बदले में? बदले में के? पर यारे बदले में थने थारे हाथ रो कंगन, थारे उंगली री अंगूठी, थारे गले रो हार, थारा सारा रुपया पैसा गेना मने दे दे। पुंगट साहब, इनसे पूछिए, इन्हें हमारे रुपए पैसे गहने जेवर क्यों चाहिए? अरे पल्लवी साहब, तू तो घनी नादान है, थने मालूम को नहीं मारी और भी 4-4 लुगाई है, वारो भी तो खर्चो मन नहीं चलाना है, इसलिए थारा सारा रुपया पैसा और गहना मने दे दे।
मेरी आधी कटी हुई बिंदी सा, इनसे पूछिए, ये तो ऐसे न थे, हम तो इनसे प्रेम करते थे, मगर ये तो 420 चोर मक्कार कमीने निकले, ये हमें पंख देने नहीं, हमारे पंख काटने आए थे, हम इनसे नफरत करते हैं, नफरत, हम इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, चले जाइए यहाँ से। पल्लवी सा, मैं तने छोड़ूंगा कोनी, मैं थारी यो नकली फैमिली और राज खोल के रहूंगो। बस, बस, बस। इनके नकली रूप सा, परेशी से कहिए बहुत हो गया, हमें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे रोकना उसे। पल्लवी सा सुनो तो सही। बहुत आता है इन्हें दूसरों का मजाक बनाना, पर क्या इन्होंने कभी खुद को आईने में देखा है? क्या पल्लू तू भी, ये गोंडकोल तुम्हारा मजाक थोड़ी उड़ा रहा था, वो तो उस मोहित सा का मजाक उड़ा रहा था, इसमें तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? घूंगट साहब प्रीति जी से कहिए वो मोहित जी का नहीं हमारी भावनाओं का मजाक उड़ा रहे थे, बहुत आता है इन्हें दूसरों का मजाक बनाना, पर क्या इन्होंने कभी खुद को आईने में देखा है? आज तक किया ही क्या है इन्होंने, सिर्फ साजिश और झूठ ही तो बोला है, अगर आज के बाद इन्होंने ऐसे हमारा मजाक उड़ाया तो हम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पल्लू, पल्लू देख भाई, मैंने तो ट्राई किया, अब तू ही देख ले तेरे को कैसे जम। ये पल्लू सा भी ना उस मोहित सा के बारे में भूल के नहीं जाते। अरे वाह प्रीति जी, आपने ये मुद्रा अर्थात बटन नहीं लगाया अभी तक। सॉरी पंकज जी, वो गोंडगोल और पल्लू सा के चक्कर में ना मैं इसके बारे में भूल गई। हाँ पूर्व भैया ने बताया मुझे भी उनके झगड़े के बारे में, परेश भाई को ऐसे ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी पल्लवी भाभी को। अरे क्या किया गोंडगोल ने, वो तो मोहित सा का मजाक उड़ा रहा था, और सब जानते कि वो मोहित सा कितना बड़ा फरेबी है। नहीं, इस प्रकार देखा जाए तो एक समय में परेश भाई भी तो चोर रह चुके हैं। हाँ लेकिन वो सुधर गया है ना अभी। किंतु चूक उन्हीं से हुई है, क्या आवश्यकता थी इस प्रकार पल्लवी जी को छेड़ने की? अरे क्या चूक हुई उनसे, वो बेचारा तो पल्लवी सा को हंसा रहा था, उसकी गलती नहीं है इसमें। हमने कहा ना कि त्रुटि परेश भाई की है। मैंने कहा ना गलती पल्लू सा की है। आप इस प्रकार चिल्ला के बात क्यों कर रही हैं? ध्वनि प्रदूषण क्यों बढ़ा रही हैं घर में? देखिए मैं ध्वनि प्रदूषण नॉइज पोल्यूशन मैं नहीं, आप फैला रहे हो। शत प्रतिशत आप फैला रही हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आप बैठिए शांति से। किंतु हमारी ये मुद्रा अर्थात बटन मैं नहीं लगाऊंगी, खुद ही लगाइए। वैसे भी आपको आता कहाँ है लगाना? अच्छा और आपको क्या आता है सिर्फ शुद्ध हिंदी के अलावा? देखिए आप हमारी मातृभाषा का उपहास मत कीजिए। देखिए अरे यार शब्बो बात को समझ, मैं नहीं आ सकता हूँ अभी, घर में टेंशन चल रही है, प्लीज शब्बो प्लीज। शब्बो शब्बो क्या है? अरे अब भाई क्या बुरा टाइम फोन पे सब्बो सब्बो करके टाइम पास करता रहता है। वो सब्बो नहीं है, वो शब्बो है, शो शरगम वाली शब्बो। ओके सरगम वाली। हाँ छोड़, आ जल्दी से इस बार मन, वो अंकल को तेरा प्रवचन सुनने का है पूरा टाइम। सबो 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 ए, वो सारा दिन रहा पल्लू के पास जाके पल्लू पल्लू करता रहता है, उसको कुछ नहीं कहते हो और मैं दो मिनट शब्बो शब्बो करूं तो मुझे डांट रही है। भाई सॉरी यार, वैसे भी दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया है, हल नहीं यार। ए, वो मेरी वजह से नहीं हुआ है, वो परेश की वजह से हुआ है। सही कहती है पल्लू कि परेश कुछ काम का नहीं है, है निकम्मा नालायक। ऐसे तू कौन से काम का है, है? तो अंकल को प्रवचन कौन देता है, ये आधा आधा घंटा दाढ़ी लगा के कौन घूमता है यहाँ पे? अरे अच्छा क्या उसको तुम हल्का था है? अरे ये तो बहुत सिंपल काम है, कोई भी कर सकता है। अच्छा तो तू करके दिखाना फिर, हमको चैलेंज करता है तू? हाँ, तेरे को मैं चैलेंज करता हूँ, पर मुझे पता है कि तू पल्लू सा के सामने नौटंकी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्या फालतू का बात करता है, तुमसे बेटर प्रवचन अगर हम करके दिखा जाए तो? परेश भाई, परेश भाई कंट्रोल योर मोशन। देखो भाई मैं हम सकती हूँ लेकिन ये है ने, आपके बॉस की बात नहीं। तुलिका कैसा बात करता है, इससे बेटर प्रवचन तुमको करके दिखा देगा। अभी के अभी ये पकड़ डिब्बा और करके दिखा। मैं तो चला यार। राजू अब राजू किधर जा, किधर आए तू? मैं अपनी शह शरगम वाली शबो के पास। तुलिका तुमको टेंशन मत लो, हमारे ऊपर भरोसा है तुमको? नहीं फिर भी करना पड़ेगा, हम आते हैं रेडी होके। यार
अपूर्व बेटा, ये संध्या प्रवचन के लिए समधी जी इतना लेट कभी नहीं हुए हैं। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई उन्हें, जरा देखो तो बेटा कहाँ है। शायद संध्या स्नान कर रहे होंगे। भाई ला, क्या वो भाग गया सबों से मिलने? क्या भाग गया? कौन भाग गया बेटा? राजू। ओहो बेटा, प्रवचन के वक्त किस मनहूस का नाम ले लिया तुमने। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। राजू ने उसने इसको चैलेंज दिया कि एक दिन के लिए तू प्रवचन करके दिखा। कौन है आप? सामी, आप हमको नहीं पहचाना? अपूर्व, तुम अपना फादर इन लॉ को अपना ये रजनी अंकल के बारे में कुछ नहीं बताया। स्वागत हो, स्वागत हो चाचा जी का, स्वागत हो चाचा जी, स्वागत हो। कुछ रहो, आशीर्वाद अंकल, तुमको भी आशीर्वाद। भाई तो दान ग्रहण करो। वाह चाचा जी, मुझे पता नहीं था कि ये चाचा जी कि ये चाचा जी अभी आएंगे। अच्छा, आइए आइए, पधारिए पधारिए, आइए आइए। अरे अपूर्व बेटा, तुमने बताया नहीं कि समधी जी के एक भाई भी हैं? अभी ऐसा है कि ये बहुत दूर के भाई हैं। बहुत दूर भी रहते हैं, चेन्नई में। रजनी जी, आप कब पधारे? बस मैं अभी 4:30 का फ्लाइट से मुंबई में लैंड किया, तो ही अपना छोटा भाई ईश्वरलाल को फोन किया। अच्छा। मैं उसको बोला कि मैं इधर आया, तो मेरे को बोलता है कि मेरे को एक अर्जेंट पार्टी के लिए लोनावाला। पार्टी? सत्संग पार्टी में लोनावाला प्रवचन के लिए जाना है। तो भाई साहब, आप इधर आया तो मेरा फैमिली को आप प्रवचन दीजिए, और मैं आपको प्रॉमिस करता है कि ये प्रवचन का लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और आपको ईश्वर लाल का कमी महसूस नहीं होने देगा मैं। क्या बात है, क्या बात है, आइए आइए प्लीज। आपके प्रवचन का लाभ हमें मिलेगा तो कितनी अच्छी बात है। आइए बैठिए बैठिए, विराजमान हुई। धन्यवाद। तो प्रवचन प्रारंभ करते हैं मिस्टर सवेरी। अरे वाह, आप तो बिल्कुल समधी जी की तरह ही प्रवचन शुरू करते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया है के ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये थेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। प्रवचन को साथ में गाने से प्रवचन का लाभ डबल मिलता है, तो सभी साथ में प्रवचन का लाभ लेते हैं, साथ में गाएंगे। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया। नैन बंद करके, यानी कि आंख को बंद करके प्रवचन का आनंद लीजिए सभी भक्तगण। अब
हम यही प्रवचन का आपको शाब्दिक अर्थ समझाएंगे। इस प्रवचन में प्रभु अपने भक्त से कहते हैं कि तेरे मस्त मस्त दो नैन, यानी कि प्रभु के और भक्त के दो मस्त मस्त नैन जब आपस में मिल जाते हैं तो प्रभु का दर्शन होता है। वाह वाह, जब प्रभु का दर्शन करते हैं तो प्रभु से लौ लग जाती है। इसी के लिए कवि ने कहा है कि ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये थेरे। अर्थात कि प्रभु के दर्शन में भक्त के ये दो नैन दिन भर सुबह शाम प्रभु का दर्शन करते हैं तो रात को निद्रालीन होने के बाद भी प्रभु ही उसकी सपने में उसके ड्रीम्स में रहते हैं। यही इस कवि का कहने का अर्थ है कि साधारण भाषा में कैसे प्रभु को अपने भक्त से जोड़ दिया है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है, आपने तो क्या प्रवचन सुनाया है चिरंजीवी जी। चिरंजीवी नहीं मिस्टर झवेरी, आई रजनी, सॉरी सॉरी अपूर्व का अंकल रजनी। हाँ। क्या प्रवचन आपने सुनाया रजनी जी। समधी जी की भी कमी हमें महसूस नहीं होने दी, हमने तो पहले ही आपको इस बात का गारंटी दे दिया था। क्या बात है, वाह वाह, कि आपको ईश्वर लाल का कमी महसूस नहीं होने देंगे। धन्यवाद धन्यवाद। अपूर्वा मेरी दाढ़ी नहीं मिल रही है। तुझे दाढ़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तू जा सकता है। क्या बोल रहे तू, मैं सही कह रहा हूँ, तुझे मेरा बाप बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना ही इनमें से किसी को मेरा रिश्तेदार बनने की। तुम सब लोग अपने अपने रास्ते जाने के लिए फ्री हो, मैं ये संभाल लूंगा। सब लोग चले जाओ यहां से, मुझसे जैसे बनता है जहां तक बनता है मैं